थाना काशीपुर के कटोराताल पुलिस चौकी क्षेत्र के मोहल्ला किला स्थित एक मकान में 14 वर्षीय नाबालिग युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच नाबालिग युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जांच में ड्यूटी पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, जल्द साफ किया जाएगा कि घर में अकेली नाबालिग युवती की हत्या के पीछे आखिर क्या राज है। आपको बता दें कि आज दोपहर थाना काशीपुर पुलिस को सूचना मिली कि मोहल्ला किला स्थित मनोज राजपूत की 14 वर्षीय नाबालिग युवती जय ने अपनी चुनरी से कमरे में फांसी लगाकर हत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उस समय मृतका जय घर में अकेली थी, जहां उसके पिता इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाने गए हुए थे। मृतका की माँ सुमिता देवी एक प्राइवेट फैक्ट्री में ड्यूटी करने गई हुई थी। जय की आत्महत्या की सूचना पाकर घर पहुंची मृतका की माँ सुमित्रा देवी ने बताया कि खाना ना बनाने को लेकर मेरे द्वारा उसको डांटा फटकारा गया था, संभवतः इससे शुभ होकर उसने यह दुस्साहसिक कदम उठाया है। फिलहाल काशीपुर पुलिस इस सारे मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद ही कुछ स्पष्ट किया जाएगा। हमें थाने पे सूचना मिली कि किला मोहल्ले में एक लड़की ने जो है फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, जिस पे हमारी पुलिस टीम वहाँ पर गई। हमने मौके पे बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। आगे हमारी जांच जारी है। अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि असली वजह क्या है।